आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से भावुक होते हुए नजर आए। गुलाम नबी आजाद की एक तरह से फेयरवेल आज उनका था और विदाई भाषण में उन पलों को उन्होंने याद किया, उस समय को उन्होंने याद किया जब उन्होंने फोन किया था गुजरात में जो त्रासदी हुई थी उस समय। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए,
इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यूएशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये सबका पक्का विश्वास है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर पहले राज्यसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर उन पलों, उन क्षणों को याद करते हुए जो उन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ साझा किए, बतौर एक मित्र वो उन्हें हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो संसद में मौजूद ना भी हो। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में कही। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, कई ऐसे पल आए जब प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में जिक्र किया उन अनुभवों का जो उन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ साझा किए थे, ना कि बतौर सांसद बल्कि बतौर एक मित्र भी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार दूसरा दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कल भी उन्होंने कहा था कि बड़ी सौम्यता से और जिस तरह से, जिस अंदाज में वो बात रखते हैं, बाकी लोग को भी सीख लेनी चाहिए उनसे। और आज भी प्रधानमंत्री करीबन 3 बारी रोए, आंसू भी पोंछे उन्होंने, और वो तमाम वाक्य उन्होंने गिनाए जब गुलाम नबी आजाद के साथ उनकी कितनी मित्रता रही है, पॉलिटिकल अपोनेंट्स होने के बावजूद भी उन्होंने वो वाक्य गिनाया कि जब वो सदन में पार्लियामेंट में आए थे और उस समय गुलाम नबी आजाद साहब के साथ लंबी उनकी बातचीत चल रही थी और पत्रकारों की नजरें उन पर थी, तो गुलाम नबी आजाद ने कितने बढ़िया तरीके से उनकी इस बातचीत को रखा था पत्रकारों के सामने, कह के कि सदन में हम सब एक परिवार है, चाहे बाहर हम सियासी अपोनेंट क्यों ना हो। तो कुल मिला के आप देखिए, राज्यसभा में आज 4 सदस्यों को विदाई हो रही थी और उसमें उन्होंने जिस तरह से गुलाम नबी आजाद के कद काट, उनकी जिस तरह से प्रशंसा की, उसको लेकर उन्होंने अंत में ये भी कहा कि उनको निरुत्तर नहीं होने देंगे और आजाद चाहे सदन के बाहर रहे पर उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो एक तरीके से एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पे प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ एक पॉलिटिकल अपोनेंट की प्रशंसा की पर निजी तौर पे भी बेहद भावुक हो गए, बेहद पर्सनल हो गए और आजाद साहब की जो विनम्रता है, उनकी जो संवेदनशीलता है, उसकी खूब प्रशंसा की उन्होंने। लौटूंगी मैं आपके पास मौसमी। और इस बीच जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का यह भाषण नहीं सुना या फिर वो अंश नहीं सुने जिसमें प्रधानमंत्री बेहद भावुक दिखाई दे, खास तौर पर गुलाम नबी आजाद को लेकर, सुनिए इस बातचीत के कुछ अंश। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी,
प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा बाहुपल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे वे जरूर वैल्यूएशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये हमारा पक्का विश्वास है। बीजेपी और जेडीयू में कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो गई है। आज दोपहर करीब 12:30 बजे नीतीश सरकार का पहला और बड़ा विस्तार होगा। बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के गठन के कई हफ्ते बाद आखिर कैबिनेट विस्तार की बारी आ ही गई। नीतीश कुमार देरी के लिए बीजेपी पर तुहमत भी जड़ चुके थे। बीते साल 16 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम बनने के बाद से 13 मंत्रियों से ही काम चला रहे थे। कैबिनेट विस्तार को लेकर अब बीजेपी और जेडीयू में आखिर बात बन गई है। मंगलवार को 12:30 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। जिन मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है उनमें बीजेपी के कोटे से शाहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, संजय चौरसिया, संजय सरावगी, भागीरथी देवी और नीरज बबलू शामिल हैं। इसी तरह जेडीयू के कोटे से जो शपथ ले सकते हैं उनमें जमा खान, संजय झा,
सुमित सिंह, मदन सहनी, नीरज कुमार और जयंत कुशवाहा हैं। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में 22 पद खाली हैं। बिहार में सीएम को मिलाकर 14 मंत्री हैं। इनमें बीजेपी से 7, जनता दल यू से 5 और एक एक मंत्री हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी से हैं। पटना से रोहित कुमार सिंह, आज तक। क्या देश के समर्थन में ट्वीट करना महाराष्ट्र सरकार को अपराध लगता है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो कि खुद इस वक्त कोरोना क्वारंटीन में हैं, उन्होंने बाकायदा एक जूम कॉल मीटिंग की, तुरंत बैठक करके उन्होंने जांच ये कहा कि जांच करो कि सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार ने जो देश के समर्थन में ट्वीट किया है वो किसके दबाव में किया है। अभी तक तो दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का सिर्फ कटआउट हाथ में लेकर अपनी मुट्ठियां तानकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखे थे। अब फिर जिन सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने ही सरकार रहते नियम बदलवाकर भारत रत्न दिया, उसी पार्टी के कार्यकर्ता जब कालिक की पूरी बोतल उड़ेलकर भी विरोध की राजनीति में सचिन की छवि पर काला रंग नहीं चढ़ा पाए, तो अब सबसे बड़ी खबर ये है कि ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना जैसे विदेशियों के भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के खिलाफ देश के साथ एकजुटता दिखाने वाले सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, साइना नेहवाल, कंगना रनौत, विराट कोहली, अजय देवगन, सुनील शेट्टी के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार कराने जा रही है। तो सवाल उठता है कि अगर सचिन तेंदुलकर विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ देश के समर्थन में आवाज उठाते हैं और लता मंगेशकर भारतीय होने के गर्व को महसूस कराते हुए देश के मुद्दे देश में हल करने की बात कहकर विदेशी दखलंदाजी पर भारतीयों की एकजुटता को ट्वीट करती है, तो क्या यह अपराध है? इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच की जरूरत महाराष्ट्र में कांग्रेस को क्यों लगने लगी? इस सवाल को लेकर हम पूरे मामले की शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता सचिन सावंत तक पहुँचते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट जो आए, तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसको अधिकार है, तो उसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। लेकिन अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और इसकी एक पृष्ठभूमि देखे, तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है। दूसरी ओर उसमें समानता दिखाई तो दे रही है, लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो हैं, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है। तो ये क्यों हुआ है कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है, इसको पुष्टि मिलती है। लता दीदी के ट्वीट की महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी? लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? सेलिब्रिटी पर दबाव की जांच करनी है या मकसद देश के लिए ट्वीट करने वाले सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, साइना नेहवाल जैसे सितारों पर जांच बैठाकर खुद अपनी सियासत का दबाव बनाना है? भारत रत्नों की जांच की बात करते उनको शर्म नहीं आती। ईमानदारी से कहूं तो जांच की मांग करने वाले और जांच का आदेश देने वालों की दिमागी हालत की जांच होनी चाहिए। विरोध की हालत ये कि राजू शेट्टी की पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर लेकर सचिन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस पर लिखा है, सचिन, क्या आप किसानों के लिए भी कभी ट्वीट करेंगे? देश में यह पक्का पहला मामला होगा जहां देश के विरोध नहीं बल्कि देश के समर्थन में आवाज उठाने वालों पर दबाव की जांच कोई सरकार कराने जा रही है। शरद पवार, जो खुद कृषि मंत्री रहते, महंगाई के सवाल पर ज्योतिषी नहीं हूं बोलकर चुप्पी साध लेते थे, उन्हीं पवार ने सचिन को दूसरी फील्ड के बारे में कुछ बोलने से पहले सतर्क रहने की नसीहत पिछले हफ्ते दी और उन्हीं के राज्य महाराष्ट्र में देश के लिए बोलने की आजादी भी जांच के घेरे में बैठा दी जाती है। ऐसा क्यों? और आपको बता दें, एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज एक बार फिर से राज्यसभा में उन्होंने संबोधित किया सांसदों को और आज का मौका, आज का दिन बेहद खास था क्योंकि आज गुलाम नबी आजाद के साथ साथ 4 सांसदों की विदाई थी और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री ने जब उन दिनों को याद करना शुरू किया तो उनकी आंखें नम हो गई, गला रुंध गया जब एक आतंकी घटना के दौरान गुलाम नबी आजाद ने उन्हें फोन किया था।
बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता तो आपको वो क्षण दिखा रहे थे जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में भाषण के दौरान भावुक हो गए, उनका गला रुंध गया, काफी देर तक उनका भाषण रुका रहा। उसके बाद जब वो सामान्य हुए, एक बार फिर से उन्होंने तारीफ की जमकर गुलाम नबी आजाद की, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक रिश्ता ही नहीं बताया, उन्होंने कहा कि एक भावनात्मक रिश्ता था हम दोनों के बीच। और ऐसे कई मौके आए जब गुलाम नबी आजाद ने बतौर एक मित्र उनको फोन किया, और दो घटनाएं उन्होंने साझा की जिस मौके पर गुलाम नबी आजाद का उनका फोन आया, और उस वक्त बतौर एक दोस्त उन्होंने उन घटनाओं के बारे में जानकारी तो बताएंगे। सब कुछ साझा करते हुए आज राज्यसभा में विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस भाषण के दौरान उन्होंने उन भावुक पलों को भी याद किया जब गुलाम नबी आजाद ने अपना वो चेहरा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा जिसमें बतौर एक मित्र वो उनके साथ खड़े हुए थे। ना सिर्फ एक राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री उनको याद करेंगे, बल्कि उन्हें एक दोस्त के तौर पर भी बहुत याद आएंगे।
गुलाम नबी जी का एक शॉट। और बीजेपी के नेता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, वाकई ये क्षण जो है वो काफी भावुक करने वाला रहा, लेकिन इससे एक और बात पता चलती है क्योंकि आम जीवन में आप लोग किस तरह से हैं या फिर जो राजनेता हैं वो किस तरह से हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जो टेलीविजन पर लोग देखते हैं वो यही देखते हैं कि अगर कोई दो अलग अलग दल का है तो उसके बीच मतभेद ही है, लड़ाई झगड़े वो देखने को मिलते हैं, कई बार मतभेद दिखते हैं, लेकिन इस तरह का रिश्ता भी एक हो सकता है, ये अपने आप में बड़ी बात। देखिए, हमने देखा है जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो एक भावनात्मक रुख है, चेहरा है, हमने देखा है और आज हमने पुनः उसको देखा है। और राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति जो है वो अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर राष्ट्र के विषय में भी चिंता करे, वो उन्होंने आज बताया, जिताया, दिखाया। और ये सबक है उन राजनीतिक दलों के लिए भी, उन राजनेताओं के लिए भी, जो आज राजनीतिक मतभेद जो है वो व्यक्तिगत रूप में लाकर कितना उल्टा सीधा सब बोलते हैं। तो ये एक सबक सीखने वाला विषय भी है। धन्य है भारत, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, वो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। गुलाम नबी आजाद जी ने भी जब मौका मिला, उन्होंने, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के विषय में भी सब कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी सब कुछ कहा है, परंतु वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी के रूप में उनको अगर कोई दिक्कत आई है नरेंद्र मोदी जी के को लेकर, तो उन्होंने कहा, यही कहा उन्होंने, मोदी जी ने, कि भाई आप व्यक्तिगत रूप से भी देखिए। और मुझे लगता है कि पूरा राष्ट्र उनको देख रहा है, पूरा विश्व उनको देख रहा है, इतना एक जो इमोशनल पहलू आज उन्होंने दिखाया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करे, कुछ पाठ ले कि राजनीति कैसे होती है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये समझना चाहिए कांग्रेस और राजनीतिक दलों के लिए। व्यक्तिगत आप उसको मत लेकर आए, सबसे पहले राष्ट्र को देखें, फिर अपनी पार्टी को देखें, फिर अपने आप को देखें। भारतीय जनता पार्टी तो यही सिखाती है हम लोगों को, बिल्कुल, उदाहरण आज उन्होंने फिर से स्थापित, बिल्कुल। अनिला जी, प्रधानमंत्री का जो ये भावुक स्वरूप है उनका, वो तो देखने को मिला ही, लेकिन साथ ही साथ गुलाम नबी जैसे नेता, पुराने नेता, जो वाकई जिनके बारे में, जिनकी जो मानवीय खूबियां हैं वो उन्होंने बताई, ऐसे बहुत से और भी सांसद होंगे, ऐसे बहुत से और भी नेता होंगे दूसरे दलों के, जो भले ही दूसरे दल में जरूर है लेकिन वो मानवीय पहलू उनका जो है वो बहुत कम सामने आ पाता है, वो देश के प्रति प्यार और इस तरह की खास करके जो बातें हैं वो अब लोगों को कम जानने या सुनने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिला जी हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री एक बार फिर से भावुक हो गए और एक तरह से सल्यूट किया आपने देखा जिस तरह से, और अभिवादन स्वीकार करते हुए गुलाम नबी आजाद को। और जाहिर सी बात है, दो लोग, भिन्न पार्टियां, मतभेद अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और इस मंच से प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री भावुक तो हैं ही और उनका ये मौलिक उनका स्वरूप भी है, और कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी दर्शाता है कि लोग अलग अलग पार्टियों में जरूर हों लेकिन गुलाम नबी जैसे जो नेता हैं वो अपने अंदर जो मानवीय स्वरूप को रखते हैं उसकी तारीफ आज राज्यसभा में की गई। माता जी है, तो ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री इस तरीके से भावुक हुए हों। श्वेता, ऐसे पहले भी मार्क जकरबर्ग का एक कार्यक्रम था, उस दौरान अपनी मां को याद करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, और ना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में
बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां।